नई सुबह के YouTube चैनल को विजिट करने का शुक्रिया। मजीद मालूमाती मवाद के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल या विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.naisubha.org naisubha.org। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नई सुबह एंड्रॉयड लर्निंग पॉडकास्ट में खुश आमदीद। इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे गूगल ड्राइव के हवाले से। तो अपने पॉडकास्ट का आगाज़ करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे एंड्रॉयड फ़ोन में गूगल ड्राइव बाय डिफ़ॉल्ट मौजूद होती है। ये क्लाउड स्टोरेज है जो हमें 15 GB तक स्टोरेज फराहम करता है, जिसमें हम हमेशा के लिए अपने कॉन्टैक्ट्स, पिक्चर्स, वीडियोस, ऑडियोस और मुख्तलिफ फाइल्स को सेव रख सकते हैं। क्योंकि मोबाइल फ़ोन में से फाइल्स डिलीट हो जाती हैं या किसी वजह से मोबाइल में कोई प्रॉब्लम हो जाए तो हमारी फाइल्स सेव नहीं रह पाती। अगर हम अपनी फाइल्स को गूगल ड्राइव पर अपलोड कर दें तो वो फाइल्स सेव रह सकती हैं। तो अब हम प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं कि हमें अपनी किसी भी फाइल को गूगल ड्राइव पर किस तरह अपलोड करना है। सबसे पहले मैं फाइल्स को ओपन करती हूँ, फाइल्स पर डबल टैप करती हूँ, फाइल्स पर डबल टैप किया, फाइल्स ओपन हो गई। ये एक ऑडियो है सिविक्स MCQs के नाम से। इस फाइल को हम गूगल ड्राइव पर अपलोड करते हैं क्योंकि हमें इसे सेव रखना है। तो इस पर मैं डबल टैप एंड होल्ड करती हूँ ताकि ये फाइल सेलेक्ट हो जाए। वन सेलेक्टेड। अब हम लेफ्ट टू राइट स्वाइप करते हैं टॉप लेफ्ट से। ये ऑप्शन आया शेयर का, शेयर में जाएंगे हम। सेव टू ड्राइव, ये ऑप्शन आया है, सेव टू ड्राइव पर डबल टैप करेंगे। जब हमने सेव टू ड्राइव पर डबल टैप किया है तो ये हमसे पूछ रहा है कि किस जीमेल आईडी की ड्राइव पर आपको अपलोड करना है। क्योंकि अगर हमारे मोबाइल में 2-3 जीमेल आईडीज हैं तो हम उसमें से सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी यहाँ पर ये वाली सेलेक्ट है मेरी, लेफ्ट टू राइट स्वाइप करती हूँ। हमें चेंज नहीं करना तो कैंसिल और सेव बटन आ रहा है। सेव बटन पे डबल टैप करूंगी। हमने देखा कि अब ये फाइल प्रिपेयर हो रही है अपलोड होने के लिए। अब हम ड्राइव की एप्लीकेशन में जाकर देखते हैं कि क्या वहाँ पर ये अपलोड हो रही है। ड्राइव आ गया, इस पे डबल टैप करती हूँ। हमने यहाँ पर सर्च करके देख लिया तो सिविक्स की ऑडियो जो है यहाँ पर अपलोड हो रही है। बैक करते हैं। अब हम ये देखते हैं कि यहाँ पर जितनी भी चीज़ें मौजूद हैं उसको डाउनलोड करने के लिए, वापस अपने मोबाइल में लाने के लिए या इसके मुख्तलिफ ऑप्शंस क्या क्या हैं उनको देख लेते हैं। अब जैसे ये एंड्रॉयड का पॉडकास्ट है, हर फाइल के आगे मोर एक्शन का बटन आ रहा होगा, इस पर डबल टैप करेंगे तो उससे रिलेटेड ऑप्शंस आएंगे। डबल टैप करती हूँ। सबसे पहले शेयर आ रहा है, लेफ्ट टू राइट स्वाइप करती हूँ। ये तमाम ऑप्शंस थे। अब इनमें से कुछ ऑप्शंस को तफसील से देख लेते हैं।
लिंक शेयरिंग ऑफ। जब भी हमें ड्राइव पर अपलोड हुई हुई किसी भी फाइल का लिंक किसी को सेंड करना होगा तो ये ऑप्शन है जिसे हमें ऑन करना होगा। लिंक शेयरिंग अभी ऑफ है, इसे ऑन करेंगे तो जब हम लिंक सेंड करेंगे तो उसके पास ओपन होगा। इस पर डबल टैप करती हूँ, लिंक शेयरिंग ऑन हो गया और वापस हमें वो बैक पर ले आया। दोबारा डबल टैप करती हूँ, मेक अ कॉपी, या तो इस फाइल की कॉपी बना के सेंड करनी है या इसका लिंक सेंड करना है। हमें जब भी किसी फाइल का लिंक सेंड करना है तो लिंक शेयरिंग को ऑन करने के बाद इस ऑप्शन पर डबल टैप करना है, कॉपी लिंक। तो हमारा जो लिंक है इस फाइल का वो कॉपी हो जाएगा। लिंक कॉपी हो गया और दोबारा हमें वो बैक पर ले आया। दोबारा ओपन करती हूँ मोर एक्शंस को। ओपन विद, यानी के अगर हम इस फाइल को डाउनलोड नहीं करना चाहते अभी और यहीं पर डायरेक्ट ओपन करना चाहते हैं तो किस तरह ओपन होगी। ओपन विद पर डबल टैप करती हूँ। हमारी फाइल ओपन हो गई। बाद वक्त थोड़ा सा लोड होने के बाद ओपन होगी और बाद वक्त डायरेक्ट भी ओपन हो जाएगी। दोबारा ओपन करती हूँ मोर एक्शंस को। रीनेम, इस फाइल का जो नाम है उसको चेंज करना हो तो यहाँ से कर सकते हैं। एड शॉर्टकट, या तो इस फाइल को हम यहाँ से मूव करके ड्राइव में ही कोई और फोल्डर बनाकर वहाँ मूव करना चाहते हैं, या होम स्क्रीन पर इसका शॉर्टकट बनाना चाहते हैं, या रिमूव, यानी के अगर हम रिमूव पर डबल टैप कर दें तो ये फाइल ड्राइव से रिमूव हो जाएगी। तो ये कुछ ऑप्शन थे यहाँ पर गूगल ड्राइव के हवाले से। अब हम किसी और फाइल को डाउनलोड करके चेक कर लेते हैं। जैसे ये नॉवल है इसमें मोर एक्शन पर डबल टैप करते हैं। डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर, इस पर डबल टैप करती हूँ। डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गई। जैसे कि हमने यहाँ देखा कि लिंक शेयरिंग ऑन है, क्योंकि इसका लिंक मैं पहले सेंड कर चुकी हूँ इसलिए इसका लिंक शेयरिंग ऑन किया हुआ था। यहाँ पर भी देखा हमने वही तमाम ऑप्शंस आ रहे हैं। यकीनन आपको आज के पॉडकास्ट से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अब आपसे मुलाकात होगी अगले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। ये मालूमाती मवाद नई सुबह की जानिब से पेश किया गया। अपनी आरा के इजहार के लिए कमेंट कीजिए या डिस्क्रिप्शन में दिए गए रास्ते के जराए इस्तेमाल कीजिए।